नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लासी मीडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुशर्रफ राणा। चलिए शुरुआत करते हैं बिग बुलेटिन की खबरों के साथ। आसमानी देवते का भयंकर प्रकोप इन दिनों बाड़मेर जिले में देखने को मिला है, जहां पर टिड्डी दल ने किसानों की फसलों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि 5 से 10 किलोमीटर लंबा इतना ही नहीं छोड़ा टिड्डी दल ने, ऐसा लग रहा था कि भयंकर देवते नुमा राक्षस ने धरती पर आक्रमण कर दिया है। किसान एवं गाँव वाले भयंकर असहाय नजर आ रहे हैं। प्रशासन से जल्द राहत और खेतों के बारे में सहायता का विचार करने का आग्रह है। बताइए भाई साहब, एक महीना से करीबन बाड़मेर जिला और जालौर जिले के अंदर टीडी का प्रभाव और टीडी का प्रकोप खतरनाक, किसानों की नींद उड़ा दी है, किसानों की सारी फसलें सपोर्ट कर रखी है। तो भाई साहब आप बताइए, आपका कौन सा गांव है बताइए? हमारे गाँव है उगाड़ा गाँव है, रहने वाले खारडेर। अच्छा, तो क्या आप इससे हमें टीडी के बारे में जानकारी बताइए, टीडी के बारे में जानकारी बताइए। हमारे खेत में अंदर आई, पूरी फसल नष्ट कर दी, और कोई दवाई छिड़कने वाला दूसरा कोई आया नहीं। पटवारी आया था इधर और गिदौरी करके गया, दूसरा कोई आया नहीं। यहाँ हमारी फसल देखो, ये कोई खेत में कुछ रखा भी नहीं है, पूरी फसल नष्ट कर दिया। अब हम क्या करें, हम गरीब आदमी, हमारे पास पैसे भी नहीं है, हम कैसे लाइट बिल भरेंगे, कैसे हम खाना खिलाएंगे, हमारे परिवार कैसे हम खिलाए क्या परिवार को हमारे। देखो अभी ऐसी हालत हुई, क्या करें बोलो। तो आपका क्या निर्भर खेती पे ही है, क्या और कोई व्यवसाय? व्यवस्था नहीं, हमारे खेती अंदर है, हम खेती कमा के हमारे टावर का पालन पोषण कर रहे हैं। अच्छा, तो फिर क्या ये टीडी कितना दिनों से यहाँ ओगाड़ा में है? ओगाड़ा में 10 दिन हो गया। तो फिर क्या इधर इधर पहले बामड़ था, पहला यहाँ खारिया, बाद में घोड़े फागलिया सीतरडी पनोरिया इस साइड में था, खाने के बाद में ओगल गांव से इधर डूंगरिया इस साइड निकला। तो फिर क्या उनके भी फसल नष्ट कर दी? वो आए वहाँ तो करी है, ऐसा थोड़ी नहीं करी है। तो फिर क्या प्रशासन ने आपका क्या सहयोग रहा प्रशासन का? प्रशासन का सहयोग क्या है, कोई आया नहीं, मानने वाला तो आया नहीं है। वो दूसरा क्या है, खा गया फसल, ये है दूसरा तो कुछ है नहीं। प्रशासन ने क्या आपकी मदद की? मदद कोई मदद नहीं की अभी तक, तो लिख के गया है पटवारी, दूसरा कोई मदद नहीं। कोई मदद नहीं? हाँ। तो फिर एसडीएम तहसीलदार को क्या आपने सूचना दी? अभी मेरे यहाँ तो मेरे को मिला नहीं। आपने तो सूचना दी उसको? हाँ, वहाँ उसको मैंने दे दिया। तो फिर सूचना देने के बावजूद वो मौके पे पहुँचे? वो तहसीलदार तो आया नहीं, पटवारी आया देख के गया था। अच्छा, तो फिर बोला गया, मैं लिख के दे दूँगा। जो एक बाड़मेर जिले के ऊपर एक टीम गठित की गई हुई है, जिसे मतलब टीडी आती है तो उसके ऊपर दवाइयों का छिड़काव किया जाता है, क्या खारडेर के अंदर दवाई का छिड़काव किया गया? नहीं किया। कोई छिड़काव वाला कोई आया नहीं। अच्छा, तो यहाँ कोई छिड़काव वाले नहीं देखा आपने? नहीं देखा। तो फिर खाने ये टीडी ने पूरी फसल नष्ट कर दी। मुरादाबाद जलकल विभाग में तैनात एक जय को 50,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर दिया है। इन पर आरोप है कि ये 29 लाख रुपये के पेमेंट के इवज में पिछले कई दिनों से वादी से पैसों की मांग कर रहे थे। सिविल लाइन स्थित TDI सिटी क्षेत्र से रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। रोहित क्रिएशंस के नाम से एक ठेकेदार है, ये श्री इनका नाम है श्री योगेंद्र प्रकाश त्यागी। इन्होंने ढक्का कुंदनपुर में कुछ मकानों का कंस्ट्रक्शन कराया था, जिसमें इनको कुछ मटेरियल का पैसा तो मिला था, लेकिन 29 लाख रुपए के करीब इनका जो है अभी पेमेंट ये मजदूरों का और मटेरियल का होना था, जिसमें इनसे 50,000 रुपए की मांग जेई श्री अश्विनी कुमार द्वारा की जा रही थी। इन्होंने हमारे मुरादाबाद ऑफिस में रिपोर्ट किया, उस पर हमने जो है कुछ अपनी क्रिमिनल इंक्वायरी कराई और उसके जांच के आधार पर पाया गया कि ऐसा कुछ हो रहा है और इनके द्वारा रिश्वत मांगी जा रही है। बिना रिश्वत के कोई काम नहीं। कोई सबूत, रिकॉर्डिंग वीडियो? भैया एक मिनट भैया, आप बाद में बात कीजिएगा। अरे हमें अश्विनी कुमार और इनके सहयोगी जो कि प्राइवेट काम कर रहे हैं, योगेश प्रकाश, जो अरे आपका आपको बता दें कि बैंक ऑफ बड़ौदा दिल्ली रोड शाखा द्वारा साई पूरम वृद्धा आश्रम में CSR के द्वारा खाने पीने के सामान वृद्धा को वितरित किया गया। सर्वप्रथम पूरी टीम ने वहां उपस्थित सभी बुजुर्गों को माला पहनाकर स्वागत भी किया और सभी को अपने हाथों से मिठाई भी खिलाई।
जिसमें मौके पर मौजूद रहे शाखा प्रबंधक श्री जितेंद्र सिंह सिकरवार, शबाना सैफी, मैनेजर ध्यानचंद आदि उपस्थित रहे। शुक्रवार को प्रदेश भाजपा के आह्वान पर नीमच में कलेक्टर कार्यालय का भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने घेराव किया। प्रदेश कांग्रेस सरकार के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की और नेताओं ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। प्रदेश में चल रहे माफिया अभियान के आड़ में अन्य छोटे लोगों को परेशान किया जा रहा है, वहीं इसी को लेकर ज्ञापन दिया, लेकिन उसके आड़ में छोटे लोगों पर कार्रवाई की जा रही है, आम आदमी को परेशान किया जा रहा है, जो कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के निर्देश के अनुसार हमने आज कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया है। मध्य प्रदेश की कमलनाथ जी की जो सरकार है उसमें अभी ये अभियान जो चला है कि भू माफिया तस्कर और ये इस प्रकार के जो तस्करी करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, हम सहमत हैं इससे। भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, तस्करों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। इसके लिए हम भी साथ में भारतीय जनता पार्टी और पूरा प्रदेश साथ में, लेकिन उनकी आड़ में आम आदमी को परेशान किया जा रहा है, छोटे छोटे गुमटी वालों को परेशान किया जा रहा है, हर किसी के मकान को नाप करके उसकी लंबाई चौड़ाई नाप करके और किसी भी प्रकार का उसको दोष देकर उसके खिलाफ कार्रवाई करने का किया जा रहा है। ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और वसूली की जा रही है, की जा रही है, अधिकारियों के द्वारा डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। हमारा ये कहना है कि भू माफियाओं को तस्करों की सूची सार्वजनिक की जाए, उनको चिन्हित किए जाए कि भाई ये भू माफिया है, इन्हें क्या किया है, कौन सा भू माफिया है, कौन सा तस्कर है, क्या करता है, इसकी जानकारी सारे जनता के बीच में आना चाहिए और फिर कार्रवाई करना चाहिए। उनकी आड़ में बहुत लपक करके बहुत बड़ी मात्रा में वसूलियाँ हो रही हैं, अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, कांग्रेस के नेता चुन चुन करके कई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में अन्याय कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए अधिकारियों को प्रेषित कर रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं, ये गलत है। आज इसी सिलसिले में आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज इस कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया गया। एक आपने प्रश्न दिया है कि जो हरे हुए विधायक हैं, वो तो समझ ही रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता सब ऐसे ही समझ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि प्रदेश के कांग्रेस के बड़े नेताओं के माध्यम से ऐसा संदेश दिया गया है। हमको जो जानकारी मिली वो ये मिली है कि प्रदेश सरकार में बैठे जिम्मेदार लोगों ने ये कहा है, अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जो भी चुनाव हार गए हैं कांग्रेस के प्रत्याशी उनको भी वहाँ पर विधायक ही समझाया और उनके अनुसार काम किया। शुगर मिल ग्राउंड पर वार्षिक उत्सव के तत्वावधान में उत्तर प्रदेश के राज्य कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी के द्वारा दीप प्रज्वलित कर देवरिया महोत्सव का किया गया आगाज। वहीं आपको बता दें कि जिसमें माननीय सलेमपुर सांसद रविंदर कुशवाहा, जय प्रकाश निषाद, मत्स्य मंत्री, विधायक सदर जन्मेजय सिंह आदि उपस्थित रहे।